किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती को लेकर। अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए? किसान भाइयों, अश्वगंधा में पोटास का क्या महत्व होता है? पोटास का प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं? किसान भाइयों, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कितना खर्चा आता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं? किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती को लेकर। किसान भाइयों, अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए और पोटास का प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं? किसान भाइयों, अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जिसे अन्य फसलों के मुकाबले आप इस फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों, इसमें ना तो कोई ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता होती है और आप इस अश्वगंधा की खेती को करके आप बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अश्वगंधा में समय समय पर सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है और समय समय पर स्प्रे करना भी बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, जब अश्वगंधा की फसल 40 से 50 दिन की हो जाने के बाद पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, ज़्यादा फुटान भी देखने को नहीं मिलती है, पीलापन भी आ जाता है, जो ऊपर के पत्ते रहते हैं वह पत्ते भी सूखने लगते हैं और पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है। इनमें से किसान भाई कई प्रकार की खाद का प्रयोग भी करते हैं, कई प्रकार के स्प्रे भी करते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, पौधे में ज़्यादा फुटान भी देखने को मिलता है, पौधे का सही तरह से विकास भी होता है और पौधे में पीलापन भी खत्म होता है। किसान भाइयों, फिर बात आती है अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए, पोटास के क्या क्या फायदे होते हैं? किसान भाइयों, अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग करने से अश्वगंधा की जड़ें ज़्यादा गहरे तक जाती हैं और वो मतलब जो जड़ें रहती हैं वह भी लंबी होती हैं, मजबूत रहती हैं। किसान भाइयों, पोटास का काम होता है। किसान भाइयों, वैसे तो अश्वगंधा एक कंदवर्गीय फसल है, इसमें जड़ का सही तरह से विकास होना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, पोटास का काम होता है कि पौधे की जड़ों को मजबूत करना, लंबा करना और पौधे का सही तरह से विकास करना, पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है। किसान भाइयों, आपको अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग जब अश्वगंधा की फसल 70 से 80 दिन की हो जाने के बाद आपको अश्वगंधा में पोटास का प्रयोग करना है। पोटास का प्रयोग करने से पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं, ज़्यादा गहरे तक जाती हैं, लंबी भी रहती हैं और नई नई जड़ों का विकास भी होता है और पौधे में पीलापन भी नहीं आता है, पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिससे आप अश्वगंधा की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, इसके प्रयोग की बात करें तो 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आप यह कार्य समय पर कर लेते हो तो आप अश्वगंधा की खेती से निश्चित तौर पर बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।